हेलो राधे राधे दोस्तों और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में तो आज हम आप लोगों के संग शेयर करने वाले हैं कि हमने हम अपनी माता रानी की विदाई की तैयारी हम कैसे करें और माता रानी की विदाई की तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसी पूजा करनी चाहिए कन्या पूजन कैसे करना चाहिए तो यही सब जानकारी आज हम आप लोगों के संग शेयर करने वाले हैं तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट तो आप देख रहे हैं हमारी जयंती कितनी सुंदर निकली है और नीचे से सफ़ेद है ऊपर से हरी है और कलश तो हमारा बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है और जयंती के कलर से भी बहुत सारे संकेत माता रानी देती हैं तो इसके ऊपर भी मैं अभी वीडियो डाली नहीं है लेकिन डालूंगी आपको तो हमारी जयंती तो फिलहाल बहुत सुंदर लग रही है मुझको पसंद आई और माता रानी की कृपा है बाकी तो तो हमारी अखंड जो अभी जल रही है और अखंड जो कभी बुझानी नहीं चाहिए अपने आप से बस लोग बुझा देते हैं ना बुझानी नहीं चाहिए उसमें आप घी मत बढ़ाइए और बस ये उसको परमा जलते रहने दीजिए जब तक वो जले तो और मैं जैसे नौमी वाले दिन राम जी की भी पूजा करती हूँ तो हमने अपने राम दरबार जो हैं उनको उठा के हमने नीचे चौकी पे ही माता रानी के पास में बिठा लिया था ये देखिए बैठे हुए हैं छोटे से तो मैं इनकी भी पूजा करती हूँ नवमी वाले दिन तो हमने उन उनको बिठा के उनकी पूजा करी है तो जैसे हम रोज में पूजा करते हैं हवन करते हैं माता रानी को पहले तिलक लगाएंगे और फूलों की माला चढ़ाएंगे या अगर आपके पास फूल हैं तो फूल चढ़ा दीजिए माला हो तो माला चढ़ा दीजिए और कलश की भी हम वैसे ही पूजा करेंगे तो और अखंड जोत की भी और हम राम जो भगवान जी हैं हमारे राम दरबार जो हैं हम उनके लिए अलग से भोग रख देते हैं और माता रानी को अलग से भोग लगाते हैं और बोल देते हैं कि आप खाइए और मैंने माता रानी को श्रृंगार अर्पित किया है और कन्याओं को देने के लिए मैंने चुन्नी मंगाई थी और पेंसिल मंगाई थी क्योंकि चुन्नी देना बहुत अच्छा होता है क्योंकि जो हमारी दुर्गा माई हैं उनको रेड कलर की चुन्नी बहुत पसंद है इसलिए मैं कन्याओं को हमेशा चुन्नी ज़रूर देती हूँ फिर और भी आप अगर कुछ हो है तो आप और भी कुछ दे सकती हैं तो और इसके बाद जब तिलक तिलक हमने कर लिया है और हमने जयंती का भी तिलक कर लिया है उसके बाद हम हवन कर लेंगे और हवन करने जब हवन करेंगे उसमें जैसे आज कन्या पूजन है और हमें माता रानी की विदाई भी करनी है तो आखिरी दिन जब हमें माता रानी को विदा करना होता है तो उस दिन हम पूड़ी हलवा और खीर चने सब चीज़ बनाते हैं और फिर उसका भोग हम अग्यारह में मतलब हवन में लगाते हैं वो उसी में वो अपना भोग लेती हैं और तो वो उसी में अपना भोग लेती हैं और उसके जब हवन कर हवन करने के बाद मैं चालीसा जरूर पढ़ती हूँ दुर्गा चालीसा तो मेरा नियम है कि मैं व्रत हो चना हो मैं डेली पढ़ती हूँ और मुझको मुझेवानी भी कंठस्थ है तो इस प्रकार से मैं डेली दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ उसके बाद आप आरती कर लें और मैंने आरती कर ली थी इसके बाद और मैंने माता रानी को बोल दिया था कि आप सिंघा ग्रहण करें भोग अर्पित करें भोग ग्रहण करें तो और फिर मैंने और पेंसिल रखना मैं भूल गई थी तो मैंने फिर पेंसिल रख दी और मैंने यहाँ पर दिया जला लिया है पंचमुखी इसके बाद हम कर लेंगे आरती माता रानी की तो ये दिया मैं जला रही हूँ और दिया के बीच में जो बड़ा सा दिया बना होता है ना उसमें मैं धूपबत्ती जलाती हूँ इसमें धूपबत्ती जलाने से क्या होता है ना कि गंदगी नहीं होती है इधर उधर धूपबत्ती गिरती है तो उसकी राख से गंदगी हो जाती है और इसमें अगर आप जलाएंगे तो ना बिल्कुल गंदगी नहीं होती है तो मैंने दिया जला लिया है और इसके बाद मैं दूसरे दिए में कपूर और लौंग मैंने रख लिए पहले से ही और फिर हम कर लेंगे आरती उसके बाद हम कन्या की कन्या को बुलाएंगे और उनका भी पूजन करेंगे और कन्याओं को बुला के उनका पूजन करने के बाद और हाँ आप कन्या को मतलब गिफ्ट जरूर दें चाहे कुछ भी दें जो भी आपकी सामर्थ्य अनुसार आप दे सकते हैं कुछ नहीं तो पाँच रुपए की फ्रूटी दे दीजिए या क्लिप दे दीजिए या कुछ भी दे सकते हैं और बाकी तो आपकी सामर्थ के ऊपर है और इस और कन्या पूजन जब आप कर लें तो उसके बाद तुरंत सारा सामान नहीं हटाना है आप जा जयंती जो है उनको थोड़ा सा हिला दीजिए थोड़ा सा चौकी को हिला दीजिए जिस पे माता रानी बैठी हैं और बस हिला दीजिए लेकिन हटाना नहीं है आप दूसरे दिन उस चौकी को हटाएंगे हम दूसरे दिन हटाते हैं तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ तो मैंने और मैं इस दिन नवदुर्गों में सोनिया चांदी की कोई चीज़ ज़रूर लानी चाहिए ये बहुत अच्छा होता है इससे जिंदुनी रात चौगनी मिलती है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी बस एक छत्तर लाई थी माता रानी के लिए वो मैंने इस वीडियो में दिखा नहीं पाया है पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा दिख रहा है फूल की माला के बीच में लगा हुआ है अब मैं दूसरी जो वीडियो डालूँगी ना आगे की पारण करने की तो मैं उसमें आपको दिखा दूँगी तो इस प्रकार से हमने माता रानी की विदाई की तैयारी की है तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी फैमिली को बालों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें और कम अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली आगे की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे बाय बाय राधे राधे